ठीक है, मैं चाहता हूं जनरल सिन्हा, पूर्व सैनिकों की तरफ से आप जैसे जांबाजों को संतोषी जी को आज सलाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए, उनके पति के सुप्रीम सेक्रीफाइस को पूरे देश के सामने उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, जनरल सिन्हा और फिर जनरल बख्शी। दीपक जी, मैम संतोषी, जय हिंद। आपके और पूरे जो हमारे शहीदों को आज मेरी श्रद्धांजलि और सत सत नमन। पूरा देश उनका एक ऋणी है, जो उन्होंने दिशा और एक गति दी है ये पूरे पराक्रम के लिए, केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के। ये देखिए, ये कोई छोटी सी चीज नहीं है। एक संतोष बाबू और उनकी जो टीम थी, जिन्होंने शहादत दी, उनके घातक प्लूटून और पूरी बटालियन और जो अटैच ट्रुप थे, वो एक मिसाल है कि इस काल में और उस दौरान जो कि पूरा विश्व का पूरा चरित्र बदल रहा है, विस्तारवाद खत्म होने वाला है, इस लड़ाई में एक सबसे बड़ा उदाहरण, एक डायरेक्ट, और इसकी इसकी तुलना नहीं हो सकती। यदि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर या देश, जब भी दुनिया बदलता है तो उसमें कोई पॉइंट आता है, एक क्षण आता है, एक एक्शन आता है। वो संतोष बाबू का गलवान के ऊपर में एक्शन, जिसके ऊपर में जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि या तो ये बदल जाएगा विस्तारवाद, हार जाएगा, या उसको बदलना पड़ेगा। और ये चीज किसने शुरुआत की, वो है संतोष बाबू और उनके वो जाबाज जिन्होंने बलिदानी दे दी उस प्रोटोकॉल को निभाते हुए, जानते हुए, हथियार रहते हुए भी, और उन्होंने अपना वीरता और शौर्य का उदाहरण दिया। जब आपको हमारे बख्शी साहब बता रहे थे, चाहे वो रशिया की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी तास है जो कहता है 45 CI-35 चाइनीज के बहुत सारे जो 100 की इतनी बड़ी संख्या में निहत्ते कुछ नहीं दुश्मन उन चालाकियों के साथ जिसके अंदर कटीले तार ऐसे हथियार लेकर के यूज किया, तो वो शौर्य गाथा का पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, ये सारा घड़ी की इतिहास दिलाते है यार, जब 22 जवानों ने एक मिसाल पूरे दृश्य के लिए दिया था। मैं गलवान की एक्शन, संतोष बाबू की एक्शन। ठीक है।